हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्लावर। फ्लावर हम किस तरीके से हमारे ड्राइंग एरिया में बनाएंगे। पहले हम मैजिक टूल क्लिक करेंगे, मैजिक टूल आ जाएगा। उसके बाद हम मैजिक टूल ऑप्शन से फ्लावर की इफ़ेक्ट को हम चूज करेंगे। उसके बाद हम फ्लावर ड्रॉ करेंगे। यूज़ दिस इफेक्ट To draw colorful flowers, choose the color and drag or just click in the drawing canvas. हम फ्लावर को ड्रॉ करेंगे और कलर यहाँ से हम चूज करेंगे। फ्लावर जिस तरीके से हमने किया, ग्रास को भी उसी तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। यूज दिस इफेक्ट टू ड्रॉ ग्रास, क्लिक और ड्रैग इन द ड्रॉइंग कैनवास। हम ग्रास के ऊपर जहाँ हमारे ग्रास की इफेक्ट होगा वहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद हम हमारे ड्राइंग कैनवास में ड्रॉ करेंगे। रेल्स, दिस इफेक्ट इज यूज टू ड्रॉ रेल्स ट्रैक्स इन द ड्राइंग कैनवास। रेल्स के इफेक्ट से हम रेल ट्रैक बना सकते हैं, जैसे कि पिक्चर में देख रहे हैं रेनबो। दिस इफेक्ट इज यूज टू ड्रॉ ए रेनबो इन द ड्रॉइंग कैनवास। रेनबो हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, रेनबो के इफेक्ट में क्लिक करेंगे। उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे। यूज ऑफ द सब टूल बॉक्स, हम सब टूल बॉक्स किस तरीके से यूज करते हैं उसकी यूज। द सब टूल बॉक्स हैज ऑप्शंस ऑफ ब्रश शेप्स एंड स्पेशल इफेक्ट्स। इट इज प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड विथ मोर देन 50 ऑप्शंस। आपके ये होते हैं, ये सब टूल बॉक्स है। यहाँ से आपको स्पेशल इफेक्ट, जैसे कि आपने ग्रास, फ्लावर, ब्रिक्स आपने यहाँ से उठा के हमने बनाया था, तो यहाँ से ब्रश शेप्स भी मिलता है, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ से हमें चूज करके ड्रॉ करना होता है। यूजिंग द हेज ब्रश शेप, हेज ब्रश इज बेसिकली यूज टू ड्रॉ थिंग्स दैट आर फार अप। हमारे कोई भी चीज़ अगर दूर में है, जैसे कि पहाड़ बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हेज ब्रश टूल से ड्रॉ कर सकते हैं। टू यूज द हेज ब्रश फॉलो दिस स्टेप्स। स्टेप वन, सिलेक्ट द पेन टूल, हम पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट ब्रश फ्रॉम द सब टूल बॉक्स, हम सब टूल बॉक्स से यहाँ सिलेक्ट करेंगे छोटा सा ब्रश को। उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे। नाउ ड्रॉ ए ट्री, उसके बाद हम ट्री ड्रॉ करेंगे। नाउ सिलेक्ट द हेज ब्रश शेप, उसके बाद हम हेज ब्रश शेप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट ब्राउन कलर टू ड्रॉ स्मॉल माउंटेन्स एट द बैक ऑफ द ट्री, हमें ट्री के पीछे की पीछे एक माउंटेन चाहिए, तो क्या करेंगे, हम हेज ब्रश टूल से हम बनाएंगे। यहाँ कलर चूज करेंगे हम। डिफरेंट पैटर्न ब्रश शेप्स, वन कैन फाइंड इनोवेटिव एंड क्रिएटिव पैटर्न्स इन टॉक्स पेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू क्रिएट ब्यूटीफुल इमेज। टू यूज द पैटर्न ब्रश शेप्स फॉलो दिस स्टेप्स, हम पैटर्न ब्रश शेप से किस तरीके से अलग अलग डिजाइन बना के हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, स्टेप वन, सिलेक्ट पेन टूल, हम पेन टूल में जाएंगे। उसके बाद सिलेक्ट एनी डिजायर्ड पैटर्न दैट यू वुड लाइक टू ड्रॉ, आपको सिलेक्ट करना है कौन सा पैटर्न चाहिए, कौन सा आपको डिजाइन चाहिए, यहाँ से आपको चूज करना है। मूव द पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया एंड स्टार्ट क्रिएटिंग पैटर्न्स, हम पॉइंटर को मूव करेंगे इस तरफ ड्राइंग एरिया की तरफ
उसके बाद हम पैटर्न से तैयार करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द कैट एंड द स्क्वायरल आर पेंटेड इन ए रनिंग पोजिशन इन द टॉक्स पेंट ड्राइंग एरिया। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से आपके पैटर्न बन जाएगा, जैसे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेविंग द फाइल, हमने बहुत सारे ड्राइंग बना लिया तो उसको हम सेव किस तरीके से करेंगे। यू कैन स्टोर द ड्राइंग दैट यू हैव मेड इन योर कंप्यूटर सो दैट यू कैन सी इट लेटर। आप जो आपने ड्राइंग बनाया है उसको स्टोर करके हम बाद में देखना चाहें तो किस तरीके से उसको सेव करेंगे। टू सेव ए फाइल फॉलो दिस स्टेप्स। क्लिक ऑन सेव टूल, सेव टूल में जाएंगे हम, सेव टूल ऑप्शन में हम जाएंगे। ए डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जैसे कि यहाँ देख रहे हैं। एक ऑप्शन लिखा है यस, रिप्लेस द ओल्ड वन, नो, सेव ए न्यू फाइल, इस तरीके से आपको लिखा हुआ है। क्लिक ऑन द डिजायर्ड ऑप्शन दैट इज येस और नो, आपको येस करना है, रिप्लेस करना है ओल्ड वन को तो आपको येस करना है। इफ़ यू क्लिक येस द इमेज फाइल विल बी सेव्ड एज ए थंबनेल इन टॉक्स पेंट, आपके छोटा सा बन के ये इमेज फाइल सेव हो जाएगा टॉक्स पेंट। ओपनिंग ए सेव्ड फाइल, हमने जो सेव किया उस फाइल को हम किस तरीके से खोल के देखेंगे। टू ओपन ए सेव फाइल फॉलो दीज स्टेप्स। सिलेक्ट द ओपन टूल फ्रॉम टूल बार, हम ओपन टूल में जाएंगे। उसके बाद ए लिस्ट ऑफ ऑल द सेव्ड पिक्चर्स विल बी सोन, हमने जितने भी सेव किया हुआ है ड्राइंग वो सारे हमारे सामने दिखाई देगा। जस्ट डबल क्लिक टू ओपन द डिजायर्ड फाइल, इसके बाद ये देख रहे हैं सारे हमारे फाइल ओपन है। ओपन ऑप्शन में हम गए, उसके बाद हमारे सामने ऐसे जितने भी हमने फाइल सेव किए थे वो सामने आ गया। उसके बाद हम जिसको चाहिए उसको डबल क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने फाइल खुल जाएगा। द फाइल विल ओपन इन द टॉक्स में, उसके बाद आपके सामने जो हमने ड्राइंग बनाया है जिस फाइल को हमें चाहिए वो हमारे सामने खुल जाएगा। आपकी टॉक्स पेंट की चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन करके दूंगी, इसको आपको बुक में फिल करना है। थैंक यू।